बॉलीवुड के बादशाह खान ने किया एक और बड़ा ऐलान। कोरोना वायरस के चलते किंग खान का ऑफिस अब क्वारंटीन के लिए आएगा काम। शाहरुख खान ने बीते दिनों कोरोना वायरस से जंग के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया था और शाहरुख ने ये कदम अपने सभी ग्रुप और टीम के साथ मिलकर लिया था, जो अपने आप में ही काबिले तारीफ है। लेकिन बॉलीवुड रिपोर्टर के लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान ने अपने 4 मंजिल के पर्सनल ऑफिस को क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात कही है। इसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाओं का इलाज हो सकता है। शाहरुख खान ने इस तरह फिर से कोरोना वायरस के जंग के लिए बड़ी मदद की है। पूजा ददलानी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मुंबई के लोगों के लिए ये एकजुट होने का समय है, चलो एक साथ मिले और इससे लड़ें। शाहरुख खान की तरफ से ये एक निस्वार्थ कदम है जो मेरे और आसपास के लोगों के लिए मिसाल कायम करेगा। अपना ऑफिस क्वारंटीन सेंटर के तौर पर देने के लिए बीएमसी ने ट्वीट के जरिए किंग खान और उनकी वाइफ को थैंक्स कहा है। जैसा कि बॉलीवुड रिपोर्टर ने आपको रिसेंटली बताया था कि शाहरुख खान ने इससे पहले गुरुवार को अपनी कंपनियों के ग्रुप्स के साथ मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। शाहरुख खान ने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया था और बताया था कि वो लोगों को किस किस तरह से हेल्प करेंगे। शाहरुख खान ने पीएम केयर्स फंड में डोनेट करने के साथ साथ कई और मदद का भी ऐलान किया था। उनकी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज की तरफ से ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में लिखा है, कोलकाता नाइट राइडर्स के को ओनर शाहरुख खान, गौरी खान, जूही चावला, मेहता और जय मेहता ने पीएम केयर फंड्स में कंट्रीब्यूशन करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, रेड चिलीज के मालिक गौरी खान और शाहरुख खान ने महाराष्ट्र सेम केयर फंड में भी कंट्रीब्यूशन करने का फैसला किया है। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स के सपोर्ट और सुरक्षा के लिए 50,000 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी PPI भी किंग खान अरेंज करवाएंगे। शाहरुख के इस ऐलान पर आदित्य ठाकरे ने उनको शुक्रिया कहा। आदित्य के ट्वीट का जवाब देते हुए शाहरुख ने लिखा, इस समय में हमें एक दूसरे को धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है, हम एक परिवार हैं। बहुत खुशी है कि आप महाराष्ट्र के लिए इतना काम कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ लव। वेल, किंग खान का ये बिग स्टेप तारीफ के काबिल है। उनकी दरियादिली मुश्किल वक्त में अक्सर देखने को मिलती जाती है। किंग खान के इस फैसले को उनके चाहने वाले काफी पसंद कर रहे हैं।